गाइस देखो यहाँ पे मेरे को मिले हैं शेरा सर। Subscribe to YPM Vlogs and click the bell icon. Well, so what is up guys? YPM Vlogs back here and भाई कैसे हो आप लोग? अभी है अतान भाई मेरे साथ में and अभी हम आए हैं दुबई मॉल करने के लिए थोड़ी सी शॉपिंग और कुछ खाने पीने के लिए। लेकिन हम शॉपिंग क्या करने वाले हैं ये तो बताओ। हाँ, मेरे को एक्चुअली चाहिए स्लाइड्स और थोड़े बहुत एक्शन फिगर्स भी। तो अभी मैं हूँ दुबई मॉल के सबसे ज़्यादा लग्जरी एरिया में। यहाँ पे सारे ब्रांड्स हैं, बैलेंसियागा, वर्साचे वगैरह। तो अभी देखते हैं, वहाँ पे है वर्ल्ड का बिगेस्ट नाइकी स्टोर, यहाँ पे बी हाई, मतलब बहुत कुछ है यार यहाँ पे। तो अपने करते हैं आज के ब्लॉग को स्टार्ट। सो लेट्स गो। वेल सो व्हाट्स अप गाइस, वी व्लॉग्स बैक हियर। गाइज यहाँ पड़े हुए हैं बीयर ब्रिक्स एंड मैं अभी इनमें से कुछ परचेज करने की सोच रहा हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ये। तो ये इनके बड़े वर्जन हैं, बट मेरे को चाहिए 28 इंचेस वाला ही। तो ये देखता हूँ सबसे अच्छा कौन सा है। इसमें एक ये पूरा कॉम्बो मेरे को मिलेगा, मेरे को भी दिखा रहे हैं ये। तो ये है भाई बीयर ब्रिक एंड मेरे को तो अच्छा लग रहा है। तो दिस इज अ कॉम्बो राइट। और ये देखो यहाँ पे है बैट मोबाइल, जो कि आप देख रहे हो मेरे सामने। इसमें हार्ले क्वीन भी है और यहाँ पे एक्चुअली पूरा बियर ब्रिक का स्टोर भी है, बट कलेक्टेबल्स तो बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे को। सारे लोग अभी एंजॉय कर रहे हैं बुर्ज खलीफा का शो। ये एक्चुअली यहाँ पे पूरी एडवर्टीजमेंट चल रही है, सब लोग देखो एंजॉय कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। अभी अपने लिए पर्स देखने के लिए आया था मैं डियोर का। एक्चुअली मेरे को पर्स बहुत टाइम से चाहिए था। तो मेरा जो पर्स है देखो इसकी क्या हालत हो रखी है, सुपर ड्राई में ये पूरा हटा हुआ है। बट आई जस्ट कंसीडर कि ये मेरा एक लकी पर्स है, मतलब इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ आज 3-4 सालों से। बहुत अच्छा लगता है मेरे को ये वाला पर्स। तो ये देख रहा हूँ। तो अभी अदनान भाई ना एक्चुअली बहुत टाइम से मैं पूछ रहे थे कि कौन सा कैमरा लिया जाए। तो इनको शुरुआत से मैं किस बोलता आया हूँ कि पहले भाई कंटेंट इज द किंग, उसके बाद ना कैमरा। तो अब कैमरा की बात आई है तो अदनान भाई कौन सा लेंगे? भाई मेरे इरादे ये थे कि देखो तुमने दो मशवरे दिए थे, तो उसी पर मैं ये सोच रहा था। मैंने कहा आईफोन या वो पॉकेट, हाँ डीजे पॉकेट टू। तो हम लोग जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या फायदे चल रहे हैं। कल चलेंगे शायद, फिर इसको डिसाइड करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो आप लेके देखो। बिकॉज भाई चीज क्या है, तो कैमरा वो है ना आईफोन, एक तो वो बहुत ज्यादा पोर्टेबल रहता है। अब डीजे का क्या सीन है, उसको आपको कैरी करना पड़ेगा हर जगह। आईफोन क्या होता है, हर जगह कैरी करते ही करते हो फोन। तो आपको बस सीधा जेब से निकालना है और ब्लॉग करना शुरू कर देना है, ऐसे हम करते हैं। मेरा एक्चुअली मन कर एक्शन फिगर्स का, वो बता देता हूँ क्यों। लोग सोचेंगे भाई ये टॉयज क्यों खरीद रहा है। तो एक्चुअली सीन क्या होता है कि जो टॉयज होते हैं ये सब एक्शन फिगर्स, इनका जो प्राइस है वो थोड़ा बढ़ता है टाइम के साथ में। एग्जाम्पल अगर मैं इनको परचेज करता हूँ अभी लगभग मैं बोलता हूँ 20,000 रुपये का, तो शायद पता चले अगले आने वाले 5 महीने में जो प्राइस है वो डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, क्योंकि ये कलेक्टिबल्स होते हैं। एग्जैक्टली, इनके जो प्राइस है वो बढ़ता है बढ़ता टाइम। तो या अगर आई कैन सेल, अगर उनका प्राइस बढ़ जाए ये तो भाई मेरी किस्मत है। तो भाई अभी हम कुछ शॉपिंग वगैरह करने आए हैं स्लाइड्स की एंड मेरे को अभी दिख गए हैं शेरा सर, वो रहे। तो एक बार ज़रा चलते हैं उनके पास में एंड बात करता हूँ सर से एक बार। गाइस देखो यहाँ पे मेरे को मिले हैं शेरा सर। सो हेलो, हाउ आर यू? आई एक्चुअली गॉट शॉक्ड एंड आई सॉ हिम एंड आई एक्चुअली एकदम से मेरे मन में आया कि भाई ये तो शेरा सर हैं। थैंक यू सो मच एंड ही इज़ अ वेरी हम्बल गाय। गाइज यहाँ पे मैंने करी है परचेज अभी अपने लिए स्लाइड्स अमीरी ब्रांड की एंड बहुत अच्छी हैं ये, दिखाता हूँ मेरा एक बार। सी भाई अभी मिला था शेरा सर से, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया उनसे मिल के यार। सो हम्बल, मैं वो सर वन फोटो बिल्कुल सर कहना है ब्लॉग बिल्कुल, मतलब ज़रा सा भी मैंने नहीं करा है ना। बिल्कुल नहीं, अदनान जी और मैं दोनों फोटो खिंचवाई एंड ये शॉपिंग भी होगी डन। अब जो सर है शेरा सर वो भी शॉपिंग कर रहे हैं अंदर। चलो हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ऐसे निकलते हैं। मैं अभी आ गया हूँ बॉल मेन के अंदर और यहाँ चल रहा है डिस्काउंट 75% का। जो टी शर्ट आपकी है जैसे 2,000 दिरहम की आपको वहाँ पे मिल रही है, 400 दिरहम की यानी कि 40,000 रुपये की आपको मिल रही है 8,000 रुपये में। और यहाँ पे देखो सब लोग शॉपिंग कर रहे हैं भर भर के। यहाँ स्लाइड्स भी हैं बट मेरे को बॉल मेन की थोड़ी पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने अपनी अमीरी की ही ली है। हर जगह सेल ही सेल, सेल ही सेल, 75% ऑफ ऑन ईच आइटम इन द स्टोर। ये अलबैग सामने है मेरे, यहाँ पे चिकन बहुत ज़्यादा फेमस है। तो बस यहाँ पे आ गया मेरे पास में, कैसे आया मत कैसे क्यों आया मत पूछो, बस जुगाड़ से आया मेरे पास है, बड़ा सही है। खा के बताता हूँ कैसा है ये। पैकिंग तो भाई यहाँ इसकी एक नंबर है। और ये मैंने लिए हैं स्पाइसी वाले चिकन नगेट्स और इसमें फ्रेंच फ्राइज़ भी हैं, 3 टाइप की मिली हैं सॉसेज, मेयोनीज है, देन ये है सॉस चिकन नगेट्स की और ये वाली है मेरी कॉकटेल सॉस। तो बस ट्राई करके देखते हैं, साथ में एक बर्गर भी हमारे पास जो कि है डबल बैक, लेट्स ट्राई कैसा होता है। मैंने पहले एक्चुअली खाया हुआ है बट बहुत टाइम हो गया ना। मैंने पहले खाया था, पहले बहुत अच्छा नहीं लगा था बट पर्सनली अब तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है। ये इनका बर्गर है जो कि है डबल पैक, 2 चिकन की पैटी, बीच में चीज़ एंड जैसे होता है ना KFC का वैसा ही है थोड़ा बहुत टेस्ट। बट मतलब मैं बोलूँगा कि इसे पूरे ब्रेस्ट हैं मतलब चिकन के और यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज एंड साथ में 3 सॉसेज। ये जगह ना बड़ी चिल है क्योंकि देखो बीच में तो फूड कोर्ट है,
इतना बड़ा ऊपर से डिस्प्ले और यहाँ पे लोग आइस स्केटिंग कर रहे हैं। मैंने भी एक बार करी थी यहाँ पे एक्चुअली, बट मैं गिर गया था। वेटिंग फॉर माय मेट्रो, मैं चला हूँ कम से कम 2 किलोमीटर पैदल आने के लिए मेट्रो स्टेशन, बिकॉज बुर्ज खलीफा से बहुत दूर है ये वाला। एंड मेरे को जाना सिर्फ ये फाइनेंशियल सेंटर है, मतलब ये दुबई मॉल वाला स्टेशन है और ये अगला स्टेशन फाइनेंशियल सेंटर है। मेरे को बस यहीं जाना है होटल के लिए। थकी और मरी सी हालत में मैं अभी अभी अपने होटल जा रहा हूँ। बस वही बॉडी ख़त्म हो गई आज, सुबह का निकला हूँ 12 बजे का, पूरा दिन में कम से कम मैं चला हूँ आज 8 किलोमीटर और थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा। A few moments later, मम्मा हमेशा मेरे को देती हैं एक बैग बना करके मेडिसिन का, तो इसके अंदर ये मैं अभी क्रोसिन खा रहा हूँ। सर दर्द कर रहा है मेरा बहुत ज़्यादा। मैं ना पूरा मतलब आज थका हुआ हूँ, क्योंकि मैं सुबह का मतलब सोया था अराउंड 7:30 अराउंड 8 बजे कह रहा हूँ, उसके बाद मैं उठाऊँ 11 बजे। मेरे को फिर अदनान बेग जाना था गाड़ी को शोरूम पर ब्लॉग बनाने के लिए, मैं कह रहा हूँ स्पीड टेल का। उसके बाद मैं गया हूँ शारजा, उनके हाथ में कुछ वहाँ पे काम था। शारजा मतलब लाइक 50 किलोमीटर था, 50 किलोमीटर जाना, 50 किलोमीटर आना, 100 किलोमीटर ये हो गया। उसके बाद मैं दुबई मॉल गया, वहाँ मेरे को मिल गया शेरा सर, वो तो मतलब उनसे मिल गया ना एकदम से माइंड हो गया मेरा रिफ्रेश। एंड भाई ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन, मतलब भाई 0% एटीट्यूड। एंड उनसे मिलके भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया, उनसे मैंने वैसे ही बात करी ऑफ कैमरा। एंड मेरे को उन्होंने ऑल द बेस्ट भी कहा मेरे फ्यूचर के लिए। एंड ही इज़ अ सो हम्बल गाय कि मैं क्या बताऊँ। तो बस अभी मैं थोड़ी बहुत अपनी ब्लॉग की एडिटिंग करता हूँ और खत्म करता हूँ अपने आज के ब्लॉग को, यहीं पर ही मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड अगर आपको पसंद आए पूरा आज का ब्लॉग तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। खत्म करता हूँ आज के ब्लॉग को यहीं पर ही, विद दैट सेड बाय एंड स्टे सेफ।